पिछले 3 महीने से चल रहे धरना आंदोलन के बावजूद आगरा के अधिकारियों ने नहीं की भूमाफिया विकास जैन और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई, तो पीड़ित जगदीश की बेटी उजाला ने लगाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने न्याय की गुहार। जगदीश की बेटी उजाला ने बताया कि आगरा TDI सिटी मियापुर में बाबा की पुश्तैनी जमीन थी। उस जमीन पर भूमाफिया विकास जैन रविशंकर विमला गुप्ता द्वारा बड़े षड्यंत्र के साथ झूठे दस्तावेजों के आधार पर विकास जैन ने अपने नाम करा लिया है। आखिर क्यों आगरा में योगी सरकार में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, क्यों नहीं होती आगरा में विकास जैन और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई? मेरा नाम उजाला है। गाँव मियापुर की रहने वाली हूँ मैं। योगी जी से ये कहना चाहती हूँ कि आपकी सरकार, आपका राज चल रहा है, मेरा अनुरोध ये है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रविशंकर विकास जैन ने हमारी जमीन गुंडागर्दी से अवैध कब्जा कर रखा है उन्होंने, और मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो मैं योगी दरबार में आकर आत्महत्या करने पे मजबूर हूँ। और 2004 से मेरे चेक बाउंस हुआ था मेरे दादाजी की ज़मीन का, वो केस अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, और उसके चलते तहत इन भूमाफियाओं ने गुंडागर्दी से आकर हमारी ज़मीन पे अवैध कब्जा ले रखा है, और हमें मारने की धमकी देते हैं, उठवाने की धमकी देते हैं। केस चलते हुए भी वो मतलब अवैध कब्जा ले रहा है, गुंडागर्दी से ले रहा है। इन भूमाफियाओं के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है आगरे में, क्यों नहीं जांच हो रही है? हमें 3 महीने से लगातार मीडिया भी निकाल रहा है, मीडिया पर भी निकाल रहे हैं खबर, लेकिन इन खबरों के तहत चलते तहत कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें इंसाफ नहीं मिला, तो हम मरने पर मजबूर हैं। हम कहाँ जाएँ, हम पीड़ित लोग, किसान लोग कहाँ जाएँ? इन्होंने हमारा रोजगार भी बंद करवा दिया है। गली गली में चोर है।